गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सेल की प्रॉपर फंक्शंस, अपर फंक्शंस एंड लोअर फंक्शंस हमने पढ़े थे जो एक्सेल की टेक्स फंक्शन में से। तो अभी हम लेफ्ट फंक्शन सम करेंगे एक्सेल का। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यानी लेफ्ट फंक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। एक्सेल लेफ्ट फंक्शंस, द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेफ्ट फंक्शंस एलो यू टू एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट करेक्टर्स। यानी जो एक्सेल का जो लेफ्ट फंक्शंस है वो यानी हमें एलो करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं कि जो सब स्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का किसी भी स्ट्रिंग जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ग्रुप ऑफ करेक्टर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। उसकी जो स्टार्टिंग फ्रॉम से यानी जो स्टार्टिंग से लेफ्ट जो मोस्ट करेक्टर है उसको यानी क्या करते हैं, उस लेफ्ट जो लेफ्ट करेक्टर है उसको यानी चेंज करते हैं, उसको यानी क्या करते हैं, लेफ्ट करेक्टर से यानी जैसे कि आपको यानी एक्सट्रैक्ट करना है जो फर्स्ट थ्री करेक्टर या एक फर्स्ट करेक्टर या सेकंड करेक्टर या थर्ड करेक्टर, जो नंबर ऑफ करेक्टर जो आप उसमें इंडिकेट जो उसमें एज ए पैरामीटर देंगे उतना करेक्टर्स यानी वो यानी क्या करेंगे, हमें शो करेंगे। तो लेफ्ट ये है लेफ्ट फंक्शंस का फंक्शंस। जो लेफ्ट फंक्शन इज़ द बिल्ड इन फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या है, एज अ बिल्डिंग फंक्शन से बिल्ड इन फंक्शन से, बिल्ड इन मीन्स जो प्री डिफाइंड फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, बिल्ड इन फंक्शंस कहते हैं, या तो हम टेक्स्ट फंक्शंस भी कहते हैं। इट कैन बी यूज इट टू वर्क यूज एज अ वर्क एज अ वर्कशीट फंक्शंस, यानी वर्कशीट में यानी एज अ फंक्शन यानी यूज़ होता है। एंड वी बी ए फंक्शंस, यानी वी बी ए में भी यानी जो लेफ्ट और लेफ्ट फंक्शंस क्या होता है, इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है एज अ वर्कशीट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शंस कैन बी इंटरेड as part of a formula in a cell of a worksheet। वर्कशीट में यानी जो लेफ्ट फंक्शंस है यानी किसी फार्मूला की तरह यानी क्या करते हैं, इंटर करते हैं, यूज़ करते हैं। होप आप लोगों को ये चीज़ ये स्लाइड समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो लेफ्ट फंक्शंस है वो एलो करते हैं आपको यानी एक्सट्रैक्ट करने को सब स्ट्रिंग हम किसको कहते हैं, जो एक स्ट्रिंग के अंदर जो जितने भी स्ट्रिंग आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सब स्ट्रिंग कहते हैं। फ्रॉम अ स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग में से स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट करेक्टर, जो लेफ्ट साइड का करेक्टर मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे लेफ्ट लिखा है, तो इस लेफ्ट को अगर मैं लेफ्ट जो फंक्शन लगाऊंगी तो जैसे लेफ्ट में कितना करेक्टर है, 1, 2, 3, 4 करेक्टर है। अगर मुझे उसमें से 2 करेक्टर को यानी सिर्फ शो करना है तो उस टाइम मैं यहाँ पे लिखूँगी कि 2 लिखूँगी, तो उस इट मींस मुझे लेफ्ट पूरा वहाँ पे शो नहीं होगा, उस टाइम मुझे सिर्फ 2 करेक्टर ही शो होगा। तो लेफ्ट जो कि फ्रॉम द लेफ्ट साइड से जो आपको जितने भी करेक्टर शो करना है वो यानी उस फंक्शंस में आ जाते हैं, जिसे आप एज अ आर्ग्यूमेंट आप कोई भी एक लंबा टेक्स्ट लिखेंगे तो उस टेक्स्ट में से आपको फर्स्ट 2 करेक्टर ही शो करना है, तो उस टाइम यानी आप लेफ्ट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसका सेंटेक्स है, जैसे कि सेंटेक्स, द सेंटेक्स फॉर द लेफ्ट फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज इक्वल टू लेफ्ट। लेफ्ट लिखना है इक्वल, तो हमें पता है कि जब हमें किसी भी फार्मूला लिखने से पहले हम क्या पुट करते हैं, इक्वल साइन पुट करते हैं, फिर इसके बाद टेक्स्ट मीन्स यहाँ पे टेक्स्ट देने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फातिमा लिखूँगी, FATIMA फातिमा लिखूँगी, फिर इसके बाद नंबर ऑफ करेक्टर आपको फातिमा से में से कितना करेक्टर आपको शो करना है कि आउटपुट में, तो मान के चलो मैं यहाँ पे लिखूँगी 3, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे FATI तक यानी यहाँ पे प्रिंट होगी, मुझे आउटपुट मिलेगी, बाकी रेस्ट जो MI है दोनों यानी क्या होगी, रिमाइनिंग 2 है वो यानी हमें शो नहीं होगी। तो यानी जो इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, चाहे 3 हो चाहे फातिमा हो, दोनों को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। टेक्स्ट द स्ट्रिंग दैट यू विश टू एक्सट्रैक्ट, उस जो आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो उस टेक्स्ट को आपको क्या करना है, उसको क्या कहते हैं हम, पैरामीटर कहते हैं। जो नंबर है यानी ऑप्शनल है, आपको अपने हिसाब से देना है, कि कोई यहाँ पर फार्मूला वगैरह नहीं होता है। रिटर्न टाइम उसका क्या होता है, किसी भी स्ट्रिंग या टेक्स्ट को वो क्या करते हैं, प्रिंट आउट करते हैं, हमें आउटपुट दे देता है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा कि लेफ्ट जो फंक्शन क्या है, लेफ्ट फंक्शंस की एडवांटेज भी आपको पता चला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही।